सर आपका नाम? सर मेरा नाम चेतन कुमार है और मैं दयाल सिंह कॉलेज में हिंदी का प्रोफेसर हूँ जी। और यहाँ पर जो हंगर स्ट्राइक हो रही है, इसकी वजह यह है कि सरकार एक तरह से रिजर्वेशन पॉलिसी को ख़त्म कर रही है, क्योंकि इसके पर जो 13 पॉइंट रोस्टर लागू करने की जो MHRD का जो लेटर आया यूनिवर्सिटी को, और उसमें ये है कि आपको डिपार्टमेंट एज ए यूनिट बनाया गया है, डिपार्टमेंट के द्वारा यूनिट बनाया, डिपार्टमेंट एज ए यूनिट यानी डिपार्टमेंट में सीटों के आधार पर रोस्टर तैयार होगा। तो 13 पॉइंट रोस्टर में 13 सीट अलॉटेड होते हैं, जिसमें प्रथम 3 सीट जो होते हैं वो जनरल के लिए होता है, 4th सीट OBC को होता है, 7th सीट SC को होता है और 13 में ST को एक भी पोस्ट अलॉटेड नहीं है। तो इस तरह से 13 में आपको 9 सीट जो है वो आपको जनरल को चला जाएगा। ऐसा तब होगा जब एक डिपार्टमेंट में 13 सीट होगी तब जी। लेकिन बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसी होती है जहाँ पर तीन सीट आती है तो प्रथम 3 सीट तो जनरल को चली जाएगी, तो रिजर्वेशन में भी नहीं होगा। जैसे मान लो तो ए से अल्फाबेटिकल हम शुरू करते हैं, जैसे अरबिक में अगर मान लो 2 सीट आता है तो दोनों जनरल, फिर आता है बी फॉर बंगाली में अगर 2 सीट आता है तो चला जाएगा जनरल को, फिर बोटनी आएगा, बोटनी में भी 2 सीट आता है तो भी चला जाएगा जनरल को, तो फिर OBC SC ST का कब आएगा जी? तो रिजर्वेशन लागू ही नहीं हो पाएगा। और वैसे भी सरकार आजकल ऑटोनोमस स्कीम पर काम कर रही है, अभी 62 इंस्टीट्यूशन को ऑटोनोमस कर दिया गया है। तो ये ऑटोनोमस का मेनली जो कंसर्न है, हम लोग की जो समस्या है वो है फंडिंग से। सरकार 1 रुपये भी खर्च करना नहीं चाह रही है, चाहती है कि उस शिक्षा में जो भी है आप जो इंस्टीट्यूशन है खुद अर्न करे, खुद फंड जनरेट करे, खुद कमाए, खुद खाए, खुद पेमेंट दे, खुद फीस बढ़ाए, अपना अनुसार आपको सिलेबस बनाए। मतलब कहने का मतलब यह है कि आपका कि जो गरीब बच्चे हैं जी जी अपना स्कूल कॉलेज की फीस कैसे वहन नहीं दे पाएंगे, कोई नहीं, सभी महरूम हो जाएंगे। आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज को ये पूरा प्रावधान दे दिया जाएगा तो कोई भी आप जैसे प्रोफेसर अपनी जेब से नहीं देगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग भी मतलब स्टूडेंट से ही वहन करेंगे जी जी। फी बढ़ेगा ऑटोमेटिकली, जो फी अभी 13,000-14,000 सालाना है वो कम से कम 3-4 लाख चले जाएंगे। और 3-4 लाख जाने का मतलब ये है कि सबसे बड़ा समस्या ये होगी जो जितने भी ट्रेडिशनल कोर्सेज जो थे, जैसे हिस्ट्री हुआ, हिंदी हुआ, फिलोसफी हुआ, संस्कृत हुआ, अरबी हुआ, लिंग्विस्टिक हुआ, हिस्ट्री हुआ, सारे सब्जेक्ट कोई नहीं पढ़ेगा 4 लाख रुपये दे के सालाना। ये सारे लोग पैसा दे करके प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाएंगे और वहाँ से टेक्निकल कोर्स कर करके कोई स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन को लोग लेंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा हमारी संस्थाओं का हाल, आप समझ सकते हैं। सर आप हिंदी के टीचर हैं जी, आपने एक सरकार के लिए आपने एक छोटी कविता बनाई है, उस कविता को आप दोहराएं। सर मैंने सरकार के लिए कोई कविता नहीं बनाई थी, लेकिन मैंने यह है कि मोदी जी की राज में जो जनता का जो हालत है वो खस्ता हो गई है, बदहाल हो गई है, बदहाल जी, खस्ता हाल और बदहाल हो गई है। और चूंकि यह सरकार गरीबों के लिए, मिडिल क्लास के लिए, नौकरी पेशा के लिए, किसी के लिए नहीं है, कहने के लिए तो यह कहती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन यह सबका साथ जरूर लेती है लेकिन विकास सिर्फ एक खास कुछ चुनिंदा लोगों का ही हो रहा है जी। तो सर आप कविता गुनगुनाएं वो जो आपने लिखा। सर कविता मैंने लिखा नहीं था, एक बार बहुत पहले मैंने बहुत पहले तुक बंदे किया था, वो मुझे अभी याद नहीं है, और मैंने एक लिखा था ऐसे ही तुक बंदी अजय कर दिया था, बहुत 2-3 साल पहले की बात है। थैंक यू, धन्यवाद।